हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृषि जागरण के प्रोग्राम फार्मर द न्यूज चैनल पे। मैं अभिषेक मौर्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर जिले मिर्ज़ापुर से आपका स्वागत करता हूं। और मैं इस टाइम कहां पे हूं, मैं इस टाइम फूल के खेती में हूं, मतलब गेंदा के फूल है जो कि लगा हुआ है। मैं इस टाइम इस खेत में हूँ और मैं ये जानूँगा कि इस खेत में से प्रोसेस क्या है और इसमें मुनाफा क्या है, कब इसकी सिंचाई होगी, कब इसकी बुआई होगी। हमारे साथ एक किसान भाई हैं जो इसकी खेती करते हैं और मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ। हाँ सर, क्या कर रहे हैं आप? धन्यवाद। और आपका क्या नाम है सर? अंकित यादव नाम है। अच्छा, अंकित यादव, फार्मर द न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि ये आप इस टाइम देख रहे हैं, मैं हर कोई अलग अलग खेती कर रहा है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम आप फूल की खेती कर रहे हैं, ठीक है? तो इस फूल की खेती करने का आपको आइडिया कहाँ से आया? सर देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म मतलब इसे क्या कहते हैं कि इसकी बुआई जो होती है, हाँ, बड़ा कम समय में आपको इनकम देती है। अच्छा, और कम मतलब समय लेती है और कोई इनकम आपको अच्छा देती है, अच्छा खासा इनकम आपका मुनाफा होता है इसमें। अच्छा, चलिए जी सर। तो अच्छा, बात किया जाए कि आपकी ये खेती कितने दिन से कर रहे हैं? सर ये खेती हमारे मतलब बहुत दिनों से, मतलब दो चार साल से। अच्छा, मतलब दो चार साल से आप कर रहे हैं, एक प्रोसेस। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये आप मतलब इसको लगाने का प्रोसेस क्या है? सर ये फूल हम लोग नर्सरी से लाते हैं, जो कि फूल पड़ता है हम लोग को 1-2 रुपया प्रति पेड़। अच्छा। और हम लोग नर्सरी से उठाते हैं इकट्ठा और पेड़ में उसे मतलब जमीन मिला के, जैसे पहले हम लोग इसे खुदाई मतलब ट्रैक्टर के माध्यम से। अच्छा, इसके पहले पहले खेत को जुताई कराएंगे इसमें, चूंकि डाइवर्सिटी होता है सर इसमें, हम पहले और किसी का खेत में मतलब खेती होता है गेहूँ वगैरह का, तो इससे इसमें शॉर्ट टर्म में भी उगा लेते हैं जो हमें ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, मतलब कि ये आप नर्सरी से इस पौधे को लाते हैं? यस, नर्सरी से हम लोग लाते हैं। नर्सरी से लाते हैं, तो ये बता सकते हैं कि ये पेड़ आपको कितना रुपये का पड़ता होगा वहाँ से? जी सर, जैसा कि हमने बताया सर कि ये पेड़ 1-2 रुपया प्रति पेड़ पड़ता है हमें। अच्छा, 1-2 रुपया प्रति पेड़ पड़ता है। तो अच्छा, ये आपके जितने पूरे आपको कैमरा साथी समझाएंगे कि आप थोड़ा सा दिखा दीजिए कहाँ 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 तक लगा हुआ है। अच्छा, देख सकते हैं कि ये, अच्छा बताइए कि ये कितना पेड़ आपका लगा हुआ है? जी सर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस रो में सर, इस रो में हम जैसे कि पेड़ देख सकते हैं, तो ये पेड़ का मतलब कि भी ये पेड़ 20 से 25 दिन के हैं, और जैसे कि इस रो में आप देख सकते हैं तो इस पेड़ की उम्र अभी मतलब 10 से 15 दिन। अच्छा, इधर इधर मतलब छोटा? जी हाँ सर, इधर छोटा इधर बड़ा, इधर कुछ ज्यादा दिन हो गया। ज्यादा दिन का हो गया, मतलब जैसे ये 20 से 25 दिन का पौधा है और ये 10 से 15 दिन का पौधा है। यस सर, यस। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आप मतलब ये कितना मतलब कितना पौधा है इसमें पूरे एरिया में लगाए हुए हैं? सर इस पेड़ के लगाने का मतलब होता है कि एक फीट एक बाई एक में दूरी होता है, जो से एक पेड़ से एक पेड़ की प्रति दूरी, बीच की दूरी 1 फीट होती है, 1x1 में हम लोग लगाते हैं इसे सर। अच्छा, 1x1 में आप ये पौधे को लगाए हुए जी सर? ठीक है, तो हम कितना मान सकते हैं, मतलब 400-500 पेड़ मान सकते हैं? जी सर, 450 से 500 पेड़ मान सकते हैं, मतलब 450 से 500, मतलब लगभग 500 पेड़ आपने लगा जी? बिल्कुल। ठीक है, 500 पेड़ लगाए। तो अच्छा ये बताइए कि इसको आप लगाते कब हैं, इसका लगाने का प्रोसेस क्या है? ऐसे तो ये पेड़ मतलब ये फूल का पेड़ हमेशा हर खेत हर मौसम में किया जाता है, लेकिन हम लोग जनवरी क्या कहते हैं इसे सितंबर अक्टूबर महीने में लगाते हैं। अच्छा, सितंबर से अक्टूबर महीने में लगाते हैं। तो जैसे देख सकते हैं कि ये सिर्फ 20 से 25 दिन का पेड़ पौधा हुआ है और ये लग रहा है इधर लगभग 10 से 15 दिन का पौधा हुआ है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अब मतलब अच्छा खासा मतलब ये, अच्छा ये बताइए कि ये फिर इसमें मैं तो देख रहा हूँ कि इधर फूल भी काफ़ी लग गया है, ठीक है, इधर फूल भी लगा हुआ है ये सब चीज़ें। जी जी, और मतलब ये कह सकते हैं कि ये आपका मतलब 30 से 35 दिन के बाद आपका फूल देना स्टार्ट निकल जाएगा। जी सर, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर की, जैसा अगर आपके कैमरा मैन दिखाया सर तो मैं दिखा सकता हूँ, अभी देखिए इसमें आने लगे सब पौधे, इधर भी आने लगे इधर, इसके बाद मतलब 10-20 दिन के बाद ये सब तैयार हो जाएंगे। अच्छा, प्रॉपर तैयार हो जाएंगे सर। मतलब ये आपका सेलिंग का है, मुनाफा कैसे करते हैं आप, कितना मतलब मुनाफा इसमें हो जा रहा है, कितना इसका मतलब जन वो प्रोडक्ट है, कितना निकलता है इसमें? इस पेड़ के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये पेड़ अगर तैयार हो जाएगा तो ये पेड़ 4 से 5 फूल प्रति दिन देगा, हर पेड़ देगा। अच्छा, प्रति मतलब सब देगा? जी सर, मतलब अगर हम मान सकते हैं कि 500 पेड़ 450 पेड़ है तो शुरू से प्रकार से 2000 से 2500 आपका मतलब हमारे पास फूल आता है पड़ेगा। चलिए ठीक है, और पड़ेगा सर अगर ऐसे मार्केट सेल कितने में ये होता होगा, मान लीजिए आपके पास फूल आ गया 50? जी सर, हम बताना चाहेंगे आपको कि 50 रुपया पर सैकड़े में इस फूल को देता हूँ मार्केट में, सप्लाई करता हूँ 50 पैसे का आपका एक फूल जाता है, पड़ता है जी सर। चलिए ठीक है, मतलब ये आपको 30 से 40 दिन के बाद आपको 50 रुपए के सैकड़े में जाता है, मतलब 700-850 के बीच में हमें मुनाफा पड़ेगा होता है सर। ठीक है,
अच्छी बात है। आप मैं पहली बार किसान से मिला तो जब मैं फूल की खेती कर रहा है, मैंने काफ़ी वीडियो कवर किया, अभी मैंने फूल की खेती कवर नहीं किया था। और बात करें इसकी सिंचाई की, क्या प्रोसेस है, कैसे आप सिंचाई करेंगे, मतलब अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ये जोता हुआ है, फिर इसके बाद आपका प्रोसेस क्या है? दो चार दिन में हम इसमें मेड़ा बनाएंगे। अच्छा, मेड़ा एक रूम मतलब इसे पूरा सीधी मेड़ा, मतलब दो दो मीटर पे दो रुपये मेड़ा बनाएंगे। अच्छा। जिससे हर हर फूल मतलब सिंचाई हो सके, उसे प्रॉपर सिंचाई मतलब पानी पहुँच सके, तो इस माध्यम से हम इस खेत में सिंचाई करेंगे सर। मतलब मान सकते हैं कि आपने, और जैसा कि आप अक्टूबर के माह में आपने लगाया हुआ है, ये लगभग 30 से 35 दिन में आपको मतलब फूल आना जब शुरू हो जाएंगे, पैसा आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये लगभग आपको फूल देंगे कितने दिन तक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू फल कितने दिन तक देगा। ऐसा तो है ना कि ये साल भर तक आपको कंटिन्यू फल देंगे? नहीं सर। तो कितने दिन तक आपको फूल देंगे? ऐसा बात है सर, ये मतलब आप जब तक मतलब वही मतलब कि एक महीना तक, हाँ एक से डेढ़ महीना तक आपको देगा। अच्छा, मतलब कि अगर हम पर डे का 800 रुपया माने, और आपको अगर एक महीने की फसल फूल को मान लें कि एक महीने आपको फूल अगर मिल रहा है लगभग 24 से 25 हज़ार अगर मार्केट सही है तो हम लोग कमा लेते हैं किसान भाई। चलिए जी सर, देखिए हमारे किसान भाई थे जो कि अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर रहे हैं फूल से। और अगर आप भी इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, और फार्मा द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे दोस्त शेयर किसान भाइयों को आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।